नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप है हमारे साथ जीटी न्यूज चार। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबर से। परसुडी थाना अंतर्गत कीताड़ी सरना मार्शल क्लब में आज मांगे हो त्योहार के उपलक्ष पर आदिवासियों ने जमकर जश्न मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुटका विधायक संजीव सरदार ने फीता काट कर नगाड़े बजाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अवसर पर उन्होंने जीटीएन को बताया कि मांगे हो त्योहार आदिवासियों का बड़ा त्योहार है और हर साल इसको बड़ी ही खुशी एवं काफी उत्साह से मनाया जाता है। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता महावीर मुर्मू, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की सुपुत्री दुखनी सोरेन, पंचायत समिति सदस्य द्रौपदी मुंडा, मुखिया रीना जारिका, सेरू खान, मनोज मुर्मू समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। चांडिल में भूमाफिया की कारना में सर चढ़कर बोलने लगे हैं। चांडिल कपाली में विवादित जमीन पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश की अनदेखी कर जबरन कब्जा कर काम जमाए जाने पर कपाली ओपी पुलिस ने भूमाफिया सहित कामगारों को खदेड़ा और काम को बंद करवा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कपाली थाना संख्या 332 खाता नंबर 87 पर अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा द्वारा दो पक्षों में उभरे विवाद को लेकर उक्त भूखंड में काम बंद करवा दिया था। अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा ने विवादित बसंत महतो के जमीन पर धारा 144 लगा दिया। जैसे ही कपाली ओपी विजय कुमार के ट्रांसफर की खबर मिली, भू माफिया सक्रिय हो गया और उक्त भूमि पर 4 से 5 मजदूरों को लेकर जबरन विवादित जमीन पर अनुमंडल न्यायालय के आदेश को अनदेखी कर काम शुरू कर दिया गया। मौके पर कपाली ओपी के सब इंस्पेक्टर विधायक यादव ने 4 से 5 मजदूरों को कार्यस्थल से खदेड़ा और चेतावनी दी की धारा 144 का जो उल्लंघन करने पर कानून कार्रवाई की जाएगी। कपाली से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। बसंत महतो का ये जमीन में विवाद चल रहा था जिसका ये लोग एसडीओ के पास गए थे, वहाँ से इन लोगों का ये जमीन पर 144 लगा हुआ है। जब तक ये काम पूरा किसी को डिसीजन ना मिल जाए कि किसका है प्लॉट, तब तक के लिए 144 लगा हुआ है 60 दिनों का। और इसी में कुछ लोग अभी काम कर रहे थे जिन्हें बंद करवाया गया है और उन्हें हिदायत दिया गया कि अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तो कानूनी कार्रवाई इन पर किए जाएंगे। अभी किसके द्वारा काम किया जा रहा है यहाँ पर? ये तो फिलहाल अभी एक नाम जब पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम अख्तर बताया जो काम करवा रहे थे यहाँ पे। तो इन्हें अभी समझाया गया कि इस पर 144 लगाई। इन्होंने कहा कि हमारा अभी कोई नोटिस तो मिला नहीं था, बट जिनका नाम पे है उन्हें तामिला करवा दिया गया था इस पे। कपाली केंद्राडी में बसंत पंचमी के अवसर पर विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा विधि विधान से की गई। विद्या दायिनी माँ सरस्वती की पूजा क्षेत्र में लोगों ने हर्षोल्लास से किया। स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के अलावा गांव देहातों में भी माँ सरस्वती की पूजा धूमधाम से मनाई गई। कपाली से अफरोज मलिक। 24 राष्ट्रीय राइफल के जवान सब बेनासोल निवासी वीर शहीद दिलीप बेसरा की 39वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके माता पिता समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरसिला विधायक रामदास सुरे ने आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित। इस अवसर पर विधायक रामदास सुरे ने कहा कि हमें आज बड़ा गर्व हो रहा है कि ऐसे वीर शहीद हमारे क्षेत्र के। आज भले शहीद दिलीप बेसरा उनके बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीर गाथा हमेशा इतिहास के पन्नों पर दर्ज रहेगी। दिलीप जैसे पुत्र को जन्म देने वाले माँ बाप को भी आज उनके बलिदानों पर गर्व होगा। मौके पर मुख्य रूप से सुखलाल हांसदा, काजन डांग, मृत्युंजय यादव, सतीश सेठ, विकास मजुमदार समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घाटसिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। यह बहुत ही हमारे इस घाटसिला क्षेत्र के लिए आज दिलीप मिश्रा शहीद दिलीप मिश्रा जी का 40वां जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित वीर शहीद गणेश हंसदा जी का माता पिता जी उपस्थित थे, दिलीप मिश्रा जी का माता पिता उपस्थित थे, यहाँ का हमारा समाज सेवी डॉक्टर भोगन जी, पाल जी, डॉक्टर कंचन जी और यहाँ पर बुद्धिजीवी घाटशिला क्षेत्र के शिक्षक शिक्षिकाएँ छात्र छात्राओं सभी उपस्थित थे। इस पर हम ये कहना चाहेंगे आज ये
घाटशिला क्षेत्र के लिए घाटशिला अनुमंडल के गौरव की बात है कि यहाँ बेनासोल गांव के ही दिलीप मिश्रा जी बहुत कम उम्र में 21 वर्ष के उम्र में उन्होंने यहाँ पर सैनिक पर भर्ती हुए थे और उसके बाद देश की सुरक्षा में उन्होंने लगे हुए थे। देश की सुरक्षा करते समय ही उसे हमारे भारत दिलीप मिश्रा शहीद हुए हैं। आज ऐसे जिला मुसाबनी प्रखंड के बेनासोल गांव में मंगलवार की शाम को शहीद दिलीप मिश्रा की 39वीं जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर कई तरह के खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जिला मुसाबनी प्रखंड के बेनासोल गांव में मंगलवार की शाम को शहीद दिलीप मिश्रा की 39वीं जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर कई तरह के खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महापुरुष जो मनाते हैं दिलीप मिश्रा जैसे, जिससे हमारे देश को और सुरक्षित हम रख सके। आज आने वाले समय पर इस क्षेत्र में हम समझते हैं कि हमारे ही पड़ोसी चकुरिया के क्षेत्र के गणेश संस्था जी भी देश की सुरक्षा में तैनात शहीद हुए हैं और इन शहीदों को हमेशा उनके परिवारों को सम्मान मिलना चाहिए। जो आज हमारी राज्य सरकार सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आज घाटशिला टाउन हॉल में FPS वन बंधु परिसर जमशेदपुर चैप्टर महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टूडे और पूर्व विधायक सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने भी हिस्सा लिया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 31 जोड़ियों को विधिवत तरीके से विवाह संपन्न कराई गई। विदित हो कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वन बंधु परिषद के साथियों द्वारा पोटका घाटशिला मुसाफने और डुमरिया गालोडी से जोड़ियों का चयन किया गया। पूर्व विधायक लक्ष्मण टूडू एवं पूर्व विधायक सह प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने सभी नव विवाहित जोड़ियों को आशीर्वाद दिया और विवाहित जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करने का आशीर्वाद भी दिया। सामूहिक विवाह के मौके पर वन बंधु परिषद जमशेदपुर चैप्टर के अध्यक्ष दिलीप गोयल, जिला उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, चित्रंजन महापात्र भाजी, यूमो जिला अध्यक्ष रंगलाल महतो, विजय पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश साव, संजय तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। वन बंधु परिषद के द्वारा ये जो पुनित कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से न केवल ये आज के कोविड काल में प्रासंगिक है, बल्कि जिस तरह की चुनौतियों का सामना आम जनता कर रही है, उस दिशा में एक बहुत ही प्रेरणादायक पहल है। हम सब जानते हैं कोविड काल में हर व्यक्ति आज आर्थिक चुनौती से झेल रहा है, जूझ रहा है। ऐसे क्रम में कई ऐसे जोड़े जिनका विवाह शायद नहीं हो पाता, या जिस तरह से हर व्यक्ति को उम्मीद होती है कि उसकी शादी बेहतरीन तरीके से हो, शायद वो सपना आज धरातल पर नहीं उतर पाता, लेकिन वन बंधु परिषद के इस सजग प्रयास से आज ये सफल हो पाया है और घाटशिला की धरती पर चुकी ये पहली बार हो रहा है। इसलिए मैं निश्चित रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये सोच विकसित की है और उम्मीद करूँगा आने वाले दिनों में और भी जगहों पर इस तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाएंगे। आदरणीय दिलीप जी के नेतृत्व में ये जो पुनित कार्य हो रहा है, ये वास्तव में सराहनीय कार्य है और हम लोग पूरे घाटशिला की जनता के ओर से हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। ये बात सही है कि जिस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम के माध्यम से मात्र ये सराहनीय और पुनित ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में एक मैसेज देने का भी काम किया जा रहा है, ताकि हर चुनौती में, हर परिस्थिति में मानव का सबसे बड़ा जो काम होता है, जो धर्म होता है, वो मानव के प्रति संवेदना के साथ में उसके प्रति काम करना, और यही कार्य आज वन बंधु परिषद के माध्यम से इस पूरे जिले में हो रहा है। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आने वाला समय भी इसी तरह के कार्यक्रम को मिलजुल करके और बृहद रूप से हो, ताकि गरीब गुरबा और असहायों का, बेटियों का विवाह समय पर और समय के अनुरूप कन्यादान हो सके, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं दिलीप जी को और पूरे वन बंधु परिषद को और यहाँ जो हमारे और भी सारे साथी सहयोगी है, मैं आभार प्रकट करता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि आने वाला समय में भी इस तरह के कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। हमें 3 महीना पहले ये प्रेरणा मिली कि हम लोग वैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, कि एक ये वाला काम भी लिया जाए कि बहुत से जो गरीब बच्चे हैं उनकी शादी हो, तो इसलिए हम लोगों ने 51 जोड़ों का टारगेट लिया था, लेकिन हमें नहीं मिले तो 31 ही मिले, इसलिए हम लोग पहली बार 31 जोड़ों का यहाँ पर घाटशिला में शादी करवा रहे हैं। और ये टाउन हॉल बहुत ही अच्छा बना, सबके सहयोग से
एमएलए फंड से, एमपी फंड से, जिससे भी बना, इतना बढ़िया से इतना बढ़िया काम हो गया कि मत पूछिए। यहाँ पर हम लोग इसमें पूरा, जैसे कपड़ा दे रहे हैं दूल्हा का, दुल्हन का बेड दे रहे हैं, बर्तन पूरा दे रहे हैं, सूटकेस दे रहे हैं, पलंग दे रहे हैं, सारे सामान जो एक बेसिक फैमिली को चाहिए वो पूरे हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये डुमरिया है, घाटशिला है, मूसा बनी है, और पटामदा है, पुटका है, ये सब जगह की हैं, 31 जोड़ियां हैं, और ये सारा काम आप लोग के सबके सहयोग से ही हो रहा है। आज पूजा है, बहुत ही शुभ दिन है, पंचमी है, बसंत पंचमी, और इस उपलक्ष्य में हमारे वन बंधु परिषद द्वारा जो आयोजन किया गया सामूहिक विवाह कार्यक्रम, ये काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम, एक ऐसा संगठन है जो सुदूर देहात में एकदम जाके शिक्षा के अलग को जगाया है, और साथ साथ इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम भी करते आ रहे हैं जहाँ पर जरूरतमंद लोगों की जरूरत हो। जैसे पिछले बार कोविड हुआ था, पहले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर मदद की है, और आज एहसास हुआ कि अभी जो है आज माँ बिना पानी का पूजा भी है, और ऐसे की से आग्रह करूंगा कि जो परिवार में वैवाहिक संबंध में जोड़ दिए हैं, ये काफ़ी सराहनीय काम है बनबंधु परिषद का, और इसका जो अध्यक्ष है हमारे मामू दिलीप गोयल जी और हमारे अरुण भाई अग्रवाल जी, लोग समाज में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे काम करते हैं। ईश्वर से हम ही कामना करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह खास करके आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ट्राइबल बेल्ट है, और अधिकतर इन लोग का ट्राइबल जो समाज से पिछड़े हुए लोग हैं, सामूहिक विवाह कार्यक्रम करके एक बहुत ही अच्छा संदेश समाज में देने का काम किया है। ऐसे लोग इसको देखकर लोग आगे आएंगे, जो जरूरतमंद लोगों को इस तरह का, जो ऐसा बहुत गरीब बेटी को बोझ लगने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह सामाजिक संगठन द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है, बनबंधु परिषद द्वारा जो कार्यक्रम किया है, ये काफ़ी सराहनीय कदम है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, जिन लोगों का भी वन परिषद द्वारा आज वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न किया है, इनका तो कार्यक्रम चलता रहे, लेकिन उसको भी सुख शांति समृद्धि दे, उन्नति दे, ताकि भविष्य में वो अपना घर खुशी खुशी बसाए और आगे चलकर एक समृद्ध जो समाज है निर्माण की परिकल्पना है, एक राष्ट्र निर्माण परिकल्पना है, समाज के हर वर्ग का सहयोग, इसी का एक